जब भी प्रधानमंत्री कहते हैं कि 8 बजे रात को मैं देश को संबोधित करने वाला हूं, तो पूरे देश की धड़कनें बढ़ जाती हैं कि आज पता नहीं कौन सी घोषणा होने वाली है। लेकिन आज रात 8 बजे जब प्रधानमंत्री ने देश को संबोधित किया, तो उसमें काफी शुरुआती उनका जो भाषण था वो एक तरीके से ऐसा लग रहा था कि कोई सत्संग चल रहा है जिसमें पूरे राष्ट्र को प्रेरणा देने वाली बातें की जा रही हैं, और लोग बड़ी बेताबी से प्रतीक्षा कर रहे थे कि सत्संग कब खत्म होगा और प्रधानमंत्री की ओर से घोषणा कब सामने आएगी। तो उनके संबोधन के अंत में वो दो महत्वपूर्ण घोषणाएं आ गई जिसका सबको इंतजार था, और ये दो महत्वपूर्ण घोषणाएं ये थी कि अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए 20 लाख करोड़ रुपए का आर्थिक पैकेज लाया जाएगा, इकोनॉमिक पैकेज लाया जाएगा। दूसरी घोषणा जो उन्होंने की कि लॉकडाउन 4 होगा, 18 मई से लागू होगा, लेकिन नए रंग रूप में होगा, नए नियमों के साथ होगा। और प्रधानमंत्री की इस घोषणा का जो सबसे ताजा असर हमें दिखा है, जो सिंगापुर निफ्टी में अचानक आए उछाल के रूप में दिखाया है कि सीधे 5% की उछाल सिंगापुर निफ्टी में नजर आई जैसे ही घोषणा आई, और कई जो व्हाट्सएप ग्रुप हैं उनमें इस तरह के स्क्रीनशॉट शेयर किए जाने लगे कि अरे देखो सिंगापुर निफ्टी का जो इंडेक्स है वो तो स्क्रीन के बाहर चला गया, ऊपर चला गया। तो अब इस घोषणा को हम किस रूप में देखें, शेयर बाजार में कल किस तरह की प्रतिक्रिया नजर आएगी, इन सब पर बात करते हैं। हमारे साथ हैं आनंद राठी फाइनेंशियल के वाइस चेयरमैन प्रदीप गुप्ता जी, और साथ ही हमारे संग जुड़े हैं इसमें मधुरेंद्र सिन्हा, वरिष्ठ पत्रकार। आप दोनों का इस चर्चा में बहुत स्वागत है। सबसे पहले कुछ मोटी मोटी बातें जो प्रधानमंत्री ने कही हैं उनका जिक्र कर दूं। उन्होंने शुरुआत में ही जिक्र किया कि किस तरीके से यहाँ पूरी दुनिया में इस विभीषिका ने 3.25 लाख लोगों की जान ली है, लेकिन उन्होंने कहा कि थकना, हारना, टूटना, बिखरना नहीं है, बचना भी है, आगे बढ़ना भी है। साथ में उन्होंने जिक्र किया कि आपदा अवसर लेकर भी आई है। उन्होंने बताया किस तरीके से जब यह आपदा शुरू हुई थी उस समय हमारे देश में पीपीई बनाने की जो डॉक्टर पहनते हैं कोरोना मरीजों का इलाज करने के समय, या पूरे अस्पताल में आजकल हर किसी डॉक्टर को पहनना जरूरी है, वो पीपीई किट हमारे देश में नहीं बनता था, चीन से आयात हुई शुरुआती खेपें, उसमें कई तरह की शिकायतें आई। लेकिन अब स्थिति यह है कि 2 लाख किट हर रोज बन रहे हैं, N95 मास्क जो इस संक्रमण से बचने के लिए बहुत जरूरी है, खास करके डॉक्टरों के लिए या जो फ्रंटलाइन वॉरियर्स हैं उनके लिए N95 मास्क 2 लाख हर रोज बनने लगे हैं। तो इस तरह से उन्होंने आत्मनिर्भरता की एक पृष्ठभूमि रखी, और इसमें उन्होंने फिर अपने स्वदेशी संकल्प का भी जिक्र किया, हालांकि स्वदेशी का नाम नहीं लिया क्योंकि स्वदेशी बोलने पर शायद एक अलग राजनीतिक बहस शुरू हो जाती है हमारे देश में, इसलिए उन्होंने लोकल शब्द का इस्तेमाल किया और ये कहा कि लोकल मैन्युफैक्चरिंग और लोकल सप्लाई चैन, इसी ने हमें बचाया है आपदा के इस समय में। फिर आर्थिक पैकेज की घोषणा पर वो आए, उन्होंने बताया कि इसका आकार कितना बड़ा है, वो जीडीपी के 10% के बराबर है, 20 लाख करोड़ 2020 में, ये बात उन्होंने कही। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ये था कि वो ये बताना नहीं भूले कि 20 लाख करोड़ रुपए किन लोगों के लिए हैं। उन्होंने गिनाया कि ये किन के पास इनका फायदा पहुंचना चाहिए, कुटीर उद्योगों को फायदा मिलना चाहिए, लघु उद्योगों को फायदा मिलना चाहिए, एमएसएमईज को इसका फायदा मिलेगा, श्रमिक और किसान को इसका फायदा मिलेगा, मध्यम वर्ग को मिलेगा, उद्योग जगत को मिलेगा, यानी इस देश के हर तबके तक, हर व्यक्ति तक इसका फायदा पहुंचना चाहिए। ये बात उन्होंने बहुत ठोस तरीके से या बहुत अच्छे तरीके से समझा करके कहनी चाहिए, और शायद इसके पीछे कारण ये था कि वो इस बात से बचना चाहते थे कि उद्योग जगत के लिए बहुत बड़ा पैकेज ला दिया गया, अमीरों के लिए बहुत बड़ा पैकेज ला दिया गया, ये कहीं राजनीतिक संदेश ना चला जाए 20 लाख करोड़ रुपए की बड़ी घोषणा से। इस बात का ध्यान रखते हुए उन्होंने बहुत जोर दिया कि ये श्रमिक किसान के लिए है, ये मध्यम वर्ग के लिए है, ये जो ठेला रेहड़ी पटरी वाले हैं उनके लिए है, उनको ताकतवर बनाना है, श्रमिकों को ताकतवर बनाना है, उनके आर्थिक हितों का ध्यान रखना है, और इसलिए यह पैकेज लाया जा रहा है। और फिर आखिर में उन्होंने बताया कि लॉकडाउन 4 होने वाला है, 18 मई से पहले
उसके बारे में विस्तार से जानकारी दी जाएगी। तो अब इस पैकेज को, इस घोषणा को किस रूप में देखा जाए, प्रदीप जी सबसे पहले आपका नजरिया में जानना चाहूंगा कि जिस तरीके से यह घोषणा हुई है उसमें हम ये देख सकते हैं कि बाजार की आरंभिक प्रतिक्रिया तो बहुत सकारात्मक होने वाली है। सिंगापुर निफ्टी का मैंने जिक्र किया, रुपए की बात करें तो रुपए डॉलर का जो एक्सचेंज रेट है, विनिमय दर है, उसमें अचानक काफी बदलाव आया है, रुपए में एकदम से इतनी बड़ी मजबूती आई है। आगे आप इसका क्या निहितार्थ देखते हैं, इसका असर क्या देखते हैं? नमस्कार राजीव जी, आपके सभी दर्शकों का मैं स्वागत करता हूँ। आई थिंक ये पैकेज एक अपने आप में काफी स्ट्रॉन्ग वर्डिक्ट है, जिसकी कि काफी समय से लोग उम्मीद कर रहे थे। आई थिंक ये एक बहुत बड़ा कदम लिया है प्रधानमंत्री जी ने। दो अभी पैकेज की डिटेल्स और फर्दर आनी बाकी है, जो मेरा ख्याल है कल हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी देंगी, बट आज जो इम्पैक्ट है वो डेफिनेटली पॉजिटिव है। ये अनएक्सपेक्टेड ही रहा है, क्योंकि अब तक लगातार ये बातें होती जा रही थी कि जब तक इंडस्ट्रीज को सपोर्ट नहीं होगा, लघु उद्योगों को सपोर्ट नहीं होगा, कुटीर उद्योगों को सपोर्ट नहीं होगा, आप जनता कैसे रिएक्ट करेगी, क्योंकि सभी फ्रॉम बॉटम से लेके टॉप सभी इंडस्ट्रीज काफी स्ट्रगल कर रही थी इस लॉकडाउन को लेकर, और आगे किस तरह से ये लॉकडाउन धीरे धीरे खुलेगा उसमें जो कठिनाइयां आएगी वापस रीइंस्टेट करने के लिए उसको कैसे सामना करना पड़ेगा। तो एक तो बड़ी बात जरूर है कि गवर्नमेंट ने अपना मन बना के एक बड़ा पैकेज का जो प्रधानमंत्री जी ने आज कहा वो पॉजिटिव वे में देखने को जरूर मिलेगा, और इसका असर जैसा आपने देखा ही है कि सिंगापुर निफ्टी में पॉजिटिव आया है, मुझे लगता है कल यहाँ के बाजारों में भी पॉजिटिव डेफिनेटली इम्पैक्ट आना शुरू होगा। बाकी की डिटेलें देखने के बाद इंडस्ट्री स्पेसिफिक में समझ में आएगा कि कौन सी इंडस्ट्री को कितना मिला, बट मुझे ये लगता है मोटा मोटी हमारे प्रधानमंत्री जी ने बताया कि लघु उद्योगों को बड़ा फायदा मिलेगा, आम जनता को जरूर फायदा मिलेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर में काफी तब्दीलियां होगी और काफी इम्प्रूवमेंट होगा, जो कि नेट नेट ओवरऑल इकोनॉमी में फायदेमंद बात रहेगी। तो ये कुछ हिंट्स जरूर मिले और ये डेफिनेटली एक पॉजिटिव है राजीव जी मेरे हिसाब से, क्योंकि 10% ऑफ जीडीपी का पूरा पैकेज एक बड़ी बात होती है। आगे आने वाले समय में जो एक चैलेंज प्रोबेबली मार्केट की वजह से जो मार्केट देख सकता है वो हो सकता है कि ये 20 लाख करोड़ रुपया जो है हमारी सरकार कहां से और किन मदों से लेगी और निकालेगी और इस पैकेज में सहायता करेगी, वो एक बड़ा इशू है, एंड आई एम श्योर इस पे काम काफी हुआ होगा। तो क्लैरिटी आने के बाद और इससे वास्तविकताओं की जानकारी मिलेगी, बट आज की तारीख में डेफिनेटली एक ये सकारात्मक पहलू है और सकारात्मक कदम। प्रधानमंत्री की इस घोषणा से पहले जो सोशल मीडिया पे थोड़े चुटकुले फैलते हैं उनमें एक चुटकुले में ऐसा कहा गया कि अगर प्रधानमंत्री एक आर्थिक पैकेज की घोषणा करने के लिए आ रहे हैं तो वित्त मंत्री ने उनको पूछा कि ठीक है फिर मेरा जॉब पूरा हुआ क्या, मेरी छुट्टी हो गई क्या, लेकिन प्रधानमंत्री ने वित्त मंत्री की नौकरी बिल्कुल सुरक्षित रखी है और ये कहा कि नहीं, आगे की सारी डिटेल्स जो हैं वो वित्त मंत्री की तरफ से ही आपके सामने आएंगी। तो मधुरेंद्र जी क्या लगता है किन किन खास बातों की उम्मीद हम कर सकते हैं, क्योंकि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कल 11 बजे ये कई घोषणाएं करने वाली हैं, उनकी ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस 11 बजे होने वाली है। जैसा कि प्रधानमंत्री जी ने बता दिया कि सभी सेक्टर्स के लिए घोषणाएं होंगी, मजदूरों के लिए, किसानों के लिए, एमएसएमईज के लिए, तमाम चीजें, लेकिन साथ साथ उन्होंने ये भी कहा ना कि आत्मनिर्भर बनना है, और उन्होंने उदाहरण भी दिया कि हम 2 लाख पीपी हर दिन बना रहे हैं, 2 लाख पीपी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि दुनिया के सारे देश जैसा आप देख ही रहे हैं कि बिखर गए हैं, पीपी तो अमेरिका जैसे देश में भी नहीं है, तो आप आत्मनिर्भर हो गए इसी बीच में, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो बाकी जहां तक पैकेज की बात है, किस चीज के लिए कितना पैकेज दिया जाएगा ये कहना अभी इस वक्त बहुत मुश्किल है, क्योंकि इस पर काफी माथापच्ची की गई है, काफी इकोनॉमिस्ट, काफी CIA वगैरह, CIA और फिक्की और SOCHM वगैरह सभी ने अपने अपने सुझाव दिए हैं, काफी कुछ हुआ है, काफी माथापच्ची की गई है, तो क्या देंगे
एग्जैक्टली प्रधानमंत्री जी क्या मन में लेके आए हो तो कल सुबह ही पता चल पाएगा आपको, लेकिन जहां तक मेरा मानना है कि किसान मजदूरों के लेकर के काफी किरकिरी हुई है सरकार की, मजदूरों के मामले पर तो खैर खास तौर से किरकिरी हुई, मजदूर सड़क पर भटकते दिखाई दिए, इससे हमारा इमेज भी बहुत खराब गया। मैं इसके लिए सिर्फ केंद्र सरकार को दोषी नहीं मानता हूँ, इसके लिए राज्य सरकारों को भी दोषी मानता हूँ जिनके मजदूर सड़कों पर भटक रहे हैं, आज भी भटक रहे हैं, ऐसा नहीं कहते कोई बदलाव आ गया, तो उसके लिए कुछ तो करना चाहिए था। अगर उनको पैसे चाहिए थे तो केंद्र से मांगते तो व्यवस्था करते, उसमें हम असफल रहे हैं, ये बहुत बड़ी गलती। लेकिन अब चूंकि पैकेज की बात हो रही थी, मुझे लगता है पहला जो पैकेज होगा वो किसानों और मजदूरों के लिए ही होगा और होना भी चाहिए, मेरा अपना मानना है उनके लिए। और भी कई चीजें इंटरेस्टिंग है, देखना होगा क्या कह रहे हैं, जैसे सप्लाई चेन मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री, तो कैसे होगा, कैसे अनफोल्ड करेगा, वो तो बहुत बड़ी बात है, देखते हैं आगे चल करके क्या हो सकता है। तो ये बहुत बड़ा पैकेज आने जा रहा है, इस पर हमें देखना होगा। और जहां तक पैसे की बात है, जैसे प्रदीप गुप्ता जी ने अभी कहा कि पैसे कहाँ से आएंगे, तो मेरा अपना मानना है कि देखिए इस तरह के हालात में फिस्कल डेफिसिट का जो टारगेट है 3.5 का, उसको तोड़ना पड़ेगा, उस टारगेट से तो आपको बहुत बाहर जाना होगा। देखिए भारत की अर्थव्यवस्था हमेशा से घाटे की अर्थव्यवस्था रही है, कभी हम हमारी अर्थव्यवस्था ऐसी रही है, तो अगर हम 5.6% पर भी चले जाते हैं अपने टारगेट को लेके, तो मुझे बहुत आश्चर्य नहीं होगा, क्योंकि मनमोहन सिंह के टाइम में हम कम से कम 2 बार 5 को क्रॉस कर गए थे, तो बहुत आश्चर्यजनक नहीं होता मुझे, उसमें कोई बहुत आश्चर्य नहीं लगता है, क्योंकि ऐसा कोई आसमान नहीं टूट जाएगा, मेरा अपना मानना है। क्योंकि ये माना जाता है कि अगर आप फिस्कल डेफिसिट को नहीं बढ़ा रोक पाए आप सीमा में, तो आपका इन्फ्लेशन बहुत बढ़ेगा, वो सब चीजें जो है वो समय के साथ साथ बदल जाती हैं। तो इस बार देखना है कि क्या कैसे पैसे का इंतजाम होता है, ये भी देखने की बात है, लेकिन मेरा अपना मानना है कि फिस्कल डेफिसिट टारगेट इस बार बिल्कुल बढ़ेगा, बहुत ज्यादा बढ़ेगा, कम से कम भी तो 2% बढ़ेगा, क्योंकि 10 लाख करोड़ पैकेज की रकम बहुत बड़ी है। प्रदीप जी, आपने जैसे खुद भी कहा कि बाजार की नजर इस पर रहेगी कि पैसे कहाँ से लाए जा रहे हैं, तो क्या बाजार इस बात को लेकर के पहले से मन बना करके बैठेगा कि चलिए ठीक है फिस्कल डेफिसिट तो बढ़ना ही है, चाहे वो 5% हो जाए 6% हो जाए, अभी उसकी हम चिंता नहीं कर सकते, लेकिन क्या आप के मन में कोई एक ऐसा विकल्प भी है कि अगर उस तरीके से पैसा जुटाया जाए, कोई ऐसी चीज कि अगर पैसा जुटाने के लिए सरकार उस तरफ बढ़े, तो फिर बाजार में एक अलार्म बेल बजेगा, खतरे की घंटी बजेगी कि नहीं ये तरीका तो ठीक नहीं था पैसा जुटाने के लिए? देखिए, इस समय जो हालात हैं और परिस्थितियां हैं उससे सभी वाकिफ हैं, और इन परिस्थितियों में ये बहुत सही बात है कि फिस्कल डेफिसिट बढ़ा के ही पैसा आना पड़ेगा और कोई तरीका नहीं, और उसमें कोई बड़ा मायने नहीं रखता है। मैं बिल्कुल सहमत हूँ आप लोगों की बात से कि फिस्कल डेफिसिट बढ़ेगा और बढ़ना, क्योंकि अभी अभी जो रिक्वायरमेंट है वो ये है, सपोर्ट की रिक्वायरमेंट है कि अभी आर्थिक स्थितियां जो कमजोर होती जा रही हैं उसको सपोर्ट करने की और हमारी इकोनॉमिक कंडीशंस को और इम्प्रूव करने की। तो आई थिंक और जहां तक बाजार की बात है या कैपिटल मार्केट की, सब इस बात से एब्सोल्युटली मानने को तैयार है कि हाँ अगर बढ़ भी गया तो कोई बात नहीं इस स्थिति में, क्योंकि यहाँ ही नहीं, ये वर्ल्ड ओवर सभी जगह का सेम ही मुद्दा होगा, सिर्फ इंडिया के लिए ये मुद्दा नहीं रहेगा, तो उसे मेरे को ज्यादा नहीं। पर सवाल ये है कि जो भी इवन फिस्कल डेफिसिट को बढ़ाने के बावजूद भी किस तरीके से अपना पैसा गवर्नमेंट बनाएगी वो देखना बहुत जरूरी है, और कहाँ कहाँ लगाएगी, जैसा आपने अभी बताया किस सेक्टर में कितना पैसा खर्च होगा और उसका कितना बड़ा लाभ मिलेगा। आई थिंक एक तो जरूर मैं देख रहा हूँ, जैसा हमारे प्रधानमंत्री जी ने बोला भी कि लोकल को काफी इंपॉर्टेंस देंगे, और उन्होंने कहीं कहीं नारा भी दिया लोकल को वोकल बना, तो आई थिंक समवेयर डाउन द लाइन उनका इशारा इस तरफ है कि जिस तरह की वर्ल्ड ओवर यू नो परिस्थितियां बन रही है, तो अभी एक स्वीट स्पॉट है और एक अच्छा मौका है कि काफी इंडस्ट्रीज अपने कंट्री की तरफ अट्रैक्ट करके यहाँ पे एक बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरिंग बेस बनाए, काफी बड़ी डेवलपमेंट करें, और वो तभी हो सकता है जब इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करें और परिस्थितियां ऐसी हो जो कि लैंड एज वेल एज लेबर रिफॉर्म, आपने सुना होगा प्रधानमंत्री जी ने इन दोनों के बारे में बात की, जमीन से रिलेटेड भी और लेबर से रिलेटेड भी, तो अगर ये रिफॉर्म्स अच्छे हुए तो आपके यहाँ पे जरूर इंडस्ट्रीज अट्रैक्ट होगी, जरूर पैसा आ सकता है। तो ये सारी बातें, ये सारे मुद्दे
आपस में एक दूसरे से जुड़े हैं, अब इन कड़ियों को जोड़ना जरूरी है कि ये कैसे, कहाँ पैसा इन्वॉल्व होगा, कहाँ पे खर्च होगा और कैसा कहाँ से पैसा आएगा, उसी कॉन्टेक्स्ट में मैंने ये बात कही। लेबर रिफॉर्म्स हाल में कई राज्यों ने किए हैं और उनके बारे में चर्चा यही रही है कि ये लेबर रिफॉर्म्स इसीलिए किए जा रहे हैं जिससे जो चीन से हटने वाली कंपनियां हैं वो ताइवान, वियतनाम जैसे विकल्पों को ना चुने और उसके बदले भारत में आना पसंद करें। लेकिन भारत में आने के लिए उनकी जो बड़ी अड़चने रही है वो यही है कि भाई जमीन कहाँ मिलेगी और यहाँ के लेबर लॉज इतने सख्त हैं कि भाई उसमें आकर के हम फंसना नहीं चाहते। तो मधुरेंद्र जी, जब सरकार इस तरह के कदम उठाती है तो उस पर विपक्ष की ओर से हमले शुरू हो जाते हैं, राजनीतिक पैंतरेबाजी शुरू हो जाती है और अगर रिजल्ट आपको ना मिले तो फिर उसमें भी यही कहा जाता है कि अरे भाई आपने कर क्या लिया, दिखाया क्या, हासिल क्या हुआ हमें। ये जो दोहरी रणनीति है विपक्ष की, अब विपक्ष के लिए स्वाभाविक है, उनका काम ही है सरकार पे हमला करना, लेकिन क्या आपको लगता है कि सरकार राजनीतिक मोर्चे पे भी उन्हें संभाल पाएगी और जो हमें लक्ष्य हासिल करने के लिए जिस दिशा में बढ़ना है उस दिशा में भी ठीक तरीके से बढ़ पाएगी? मोदी की सरकार बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत मजबूत सरकार है और ये विपक्ष की परवाह नहीं करती। ये सरकार विपक्ष की बिल्कुल ही परवाह नहीं करती और इसे जो करना है वो करके दिखा रही है लगातार। आप देख रहे हैं 370 हटाने से लेकर तमाम चीजें जो भी चाहे उन्होंने किया और ये करते रहेंगे। विपक्ष कुछ भी कहे, कुछ भी नहीं हो सकता। जो प्रधानमंत्री जी, उनका मंत्रिमंडल और उनके सलाहकार जो चाहेंगे वही होगा। राजनीतिक रूप से बहुत मजबूत है क्योंकि विपक्ष है ही नहीं इस देश में अभी। ठीक है, कांग्रेस की तरफ से कुछ बयान वयान कभी कभी आ जाते हैं, कभी कुछ अच्छे बयान आते हैं जो होना भी चाहिए, बयान भी आते हैं, कभी कुछ दिलचस्प बयान भी आते हैं, लेकिन उससे कुछ नहीं होगा। मजदूरों के लिए जो अगर लेबर लॉज में चेंज किए गए तो भला उनका ही होता। अभी ही कौन से लेबर लॉ माने जा रहे हैं इस देश में? इस देश में हजारों लाखों मुकदमे लेबर से संबंधित अदालतों में सर हुए पड़े हुए, कोई पूछने वाला नहीं है। आप भारत की अदालतों में जाइए, छोटे अदालतों में जाकर देखिए लेबर केसेस कितने पड़े हुए हैं, तो उसका कोई मतलब नहीं है। अगर सरकार को ये चाहिए कि वो समय अगर बढ़ा रही है काम करने का तो उनके पैकेज भी बढ़ाए जाए, उसके हिसाब से उन्हें पैसे ज्यादा दिए जाए। किसान मजदूर इससे खुश होते हैं कि उनसे काम भले आप ज्यादा करा लें, पैसे भी ज्यादा दें, तो उस तरह की व्यवस्था करनी होगी। यानी अगर आप एक तरफ उनका काम का समय बढ़ाते हैं तो उस जो एक्स्ट्रा टाइम वो कर रहा है उसे ओवर टाइम में ट्रीट किया जाए। ओवर टाइम में जो पैसे की जो देने के जो नियम होते हैं वो अलग होते हैं, कहीं ज्यादा पैसे दिए जाते हैं रेगुलर टाइम से, तो उस तरह की भी व्यवस्था करनी चाहिए। और उससे ही आपको विदेशी लोग पैसे देने को तैयार हो जाएंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं है। विदेशी कंपनियों को पैसे देने में दिक्कत नहीं होती है, तो वो भी होगी, लेकिन जरूरी है कि उनके लिए एक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जाए। जैसा प्रदीप गुप्ता जी ने भी कहा, जमीन की बड़ी प्रॉब्लम होती है। मैंने कई केसेस में देखा है कि बाहर की कंपनी चाह के भी भारत में प्लांट नहीं लगा पाई क्योंकि वहाँ यहाँ जमीन लेना ही बहुत मुश्किल है। लैंड एक्विजिशन एक्ट कितना डिफिकल्ट बना दिया गया है कि सरकार के लिए ही जमीन लेना बहुत कठिन। आपने देखा होगा जेवर एयरपोर्ट के लिए जमीन के अधिग्रहण में कितनी परेशानी है और कई कई साल लग गया जमीन अधिग्रहण में, तो अब जाकर के वो काम पूरा हुआ। तो प्राइवेट इंडस्ट्रीज के लिए तो और भी मुश्किल है। अब ये तो बहुत स्पष्ट है कि हमें बुधवार के कारोबार में बाजार में काफी अच्छी तेज उछाल दिखेगी, लेकिन वो जो तेज उछाल है वो सेल ऑन न्यूज होगी, क्योंकि अक्सर बाजार में कहा जाता है कि जब जिस खबर की प्रतीक्षा बाजार में चल रही हो वो खबर जब आ जाए तो उसके बाद फिर मुनाफा वसूली भी उभरती है। तो क्या आपको लगता है कि शुरुआती एक उछाल के बाद फिर मुनाफा वसूली का दबाव उभरेगा या फिर अब हम जो हाल के निचले स्तर देख करके आए हैं वहां से बाजार अब लगातार धीरे धीरे बेहतरी की ओर ही बढ़ेगा? राजीव जी, मेरा मानना है कि ये जो बाजार है अभी अभी भी हमारे बाजार के ऊपर जो संकट है या बाजार के ऊपर जो चिंताएं हैं वो है कोरोना से रिलेटेड। ये बीमारी का जब तक महत्वपूर्ण तरीके से इलाज नहीं आ जाता, मतलब कोई ना कोई दवाई का हमें साधन नहीं मिल जाता या वैक्सीन जो बन जाते हैं, तब तक ये बार बार ये बादल हमारे मंडराते रहेंगे। और उस स्थिति में कोई भी स्ट्रॉन्ग डिसीजन पॉजिटिव साइड में जाने का नहीं बनेगा। बट एक चीज बहुत जरूरी है और जो अच्छा होगा, इस पैकेज की वजह से जो जो जमीनी तौर पर सहायता चाहिए वो मिलनी शुरू होगी, एक तो सबसे बड़ा काम ही होगा। तो लोगों की कॉन्फिडेंस लेवल काफी आगे तक बढ़ेंगे कि हाँ कुछ भी अगर
इस तरह की परिस्थितियां हैं तो हमारे पास सपोर्ट में हमारी गवर्नमेंट कुछ ना कुछ ध्यान रखेगी, एक तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट मिलेगा। तो बाजार में कल उछाल आने के बाद कुछ समय बाद हो सकता है प्रॉफिट बुकिंग आए, बट लंबे समय के लिए बाजार को चलने के लिए, एक तरफा बाजार को चलने के लिए हमें कॉन्स्टेंटली प्रॉफिटेबिलिटी और कॉन्स्टेंटली इस तरफ देखना होगा कि मेडिकल सॉल्यूशन जब तक फाइनल नहीं हो जाता तब तक ये बाजार एक ट्रेडिंग रेंज और ट्रेडिंग जोन में रहेगा। बट एक ये सुनिश्चित होता नजर आ रहा है जो हमेशा हमें डर लगता रहता है कि जो हमने अब तक बॉटम देखा है प्रोबेबली वो बॉटम एक कारगर बॉटम सिद्ध होता नजर आ रहा है इन सब बातों को देखते हुए, उससे नीचे बाजार जाने की परिस्थितियां बहुत कम नजर आ रही आज की स्थिति। ये भरोसा प्रदीप जी आप किस बॉटम के लिए बता रहे हैं, जो हमने 7500 का बॉटम देखा था 7500 का निफ्टी पे, या अभी जो हम 9100 के आसपास बाजार को सपोर्ट लेते हुए देख रहे हैं? 7500, आई एम वेरी क्लियर, 7500 के बॉटम की बात कर रहे जी, यानी अब वो बॉटम हम नहीं तोड़ेंगे ये भरोसा बनता हुआ दिख रहा है आपको? ये भरोसा पक्का बनता हुआ दिख रहा है जी। चलिए अब अच्छी बात है, हम इसी नोट पर इस सांत्वना वाली बात पर या इस राहत वाली बात पर ही इस चर्चा को समाप्त करते हैं। मधुरेंद्र जी और प्रदीप गुप्ता जी आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए।